जामोद साहब, 2 दिन पहले आप पे हमला हुआ था, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था, कौन से कंटेनमेंट एरिया में नौकरी की आपने? मेरी कंटेनमेंट एरिया हकीमवाड़ा में, इधर काजीपुरा मुच्छपुरा वहाँ पे थी। वहाँ पे शाम करीब 6:30-7 बजे की बात है, तो अंदर से वॉलेंटियर से सूचना मुझे मिली कि अंदर ज़्यादा भीड़ है और आप लाउड स्पीकर से अलाउंस किए। मैंने अलाउंस किया, उसके बाद भी लोग बाग नहीं जा रहे थे। फिर मैं अपने एक वॉलेंटियर को साथ में बिठाया और फिर अंदर जाके लॉकडाउन का पालन करवा रहा था मैं अंदर, वो मुच्छपुरा में जाके। तो वहाँ पे सबको अपने अपने घरों में जाने के मैंने बोला। फिर मैं आगे निकल आया था अपने ये हाथीखाना तरफ निकल आया था। फिर वापस मैंने वो सभी एरिया सील था, तो मैं वापस उसी रास्ते से हकीमवाड़ा अपने ड्यूटी स्थल पे पॉइंट पे जा रहा था। जैसे मैं मुच्छपुरा चौराहे पहुँचा कि एकदम 150 लोगों को भीड़ आ गई और अचानक मेरी गाड़ी रोक के ने हमला कर दिया। चोटें भी आई थी उसमें? चोटें आई थी उसमें। क्या वो लोग क्या बोल रहे थे, क्या चाह रहे थे? वो लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि अंदर कैसे आ गए, हमारे उस एरिया में कैसे आ गई पुलिस। अच्छा, जो एरिया सील था उसके अंदर बोले आप कैसे आ गए? हाँ, उस एरिया में कैसे आ गई पुलिस, इस टाइप के गाली गलौज करने मारने लगे हैं हम वॉलेंटियर को भी और मुझे भी, दोनों को। वॉलेंटियर्स वहीं का था? हाँ, वॉलेंटियर वहीं का है। उसको भी मारा? हाँ, उसको भी मारा। अच्छा, इसके अंदर जो है फिर आपकी गाड़ी वगैरह वहीं रह गई थी, कैसे आप बच के निकले वहाँ? नहीं, गाड़ी वाड़ी तो मैं साथ में लेके फिर अपने पॉइंट पर आया हूँ और उसमें समझा दिया मैंने अपने, मैंने कारण क्या, कारण क्या, कारण कुछ बोले ना, अंदर एरिया में कैसे आ गई पुलिस, ये उनके सिर्फ इतना था कि आप अंदर कैसे आ गए। हाँ, अंदर कैसे आ गए, कंटेनमेंट एरिया हमारा बना रखा तो आप हमारे एरिया में कैसे आए? हाँ, मैं उसको अंदर भीड़ को तितर बितर करना, अंदर मतलब एरिया में सुरक्षित अपने अपने घरों में रहो, ये बोलने गया था। आप तो पालन करवाने गए? हाँ, पालन करवाने गया था क्योंकि वहाँ और भी पेशेंट मिले। हाँ,